हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रद्युम्न शर्मा और आज हम हमारा 12th इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मनी। सही सुना आपने, पैसा, लक्ष्मी, इसके इर्द गिर्द सारी दुनिया है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी आज हम जानेंगे कि ये इस दुनिया में आया कैसे, मनी कैसे इवॉल्व हुई, मनी क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें और छोटी मोटी बातें हम समझेंगे। पहली बात आप ये समझिए कि मनी जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानी जाती है। हमारे यहाँ पे हम इसे रुपया कहते हैं, अमेरिकन जैसे डॉलर कहते हैं, कुछ लोग इसे येन कहते हैं, कुछ लोग इसे पाउंड कहते हैं और अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, जिसे हम करेंसी भी बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ बातें हम करते हैं। सबसे पहली बात तो डेफिनेशन क्या है। तो मनी का जो डेफिनेशन है वो एक बहुत ही अच्छा फिल्मी डायलॉग जैसा है। आप समझिए, व्हाट इज मनी, मनी इज समथिंग, व्हाट इज मनी डन, मतलब मनी वो है जो मनी करती है, मनी इज व्हाट मनी डज। अब इस डेफिनेशन को आप बड़ा ध्यान से समझिए कि ये डेफिनेशन सिर्फ डायलॉग ही नहीं है, ये बड़ी गहरी बात है। मनी की डेफिनेशन को रुपये, डॉलर, पाउंड तक सीमित नहीं किया गया, इट इज नॉट लिमिटेड ओनली अप टू द करेंसी वैल्यूज। मनी की जो डेफिनेशन है वो काफी डीप है। मतलब अगर मैं अपना एक फोन देके आपसे आपका फोन खरीद लेता हूं तो मेरा फोन भी मनी है। अगर मैं किसी को वन बैग गेहूं का देके उससे वन बॉटल ऑयल की खरीद लेता हूं तो दैट इज ऑल्सो मनी। माई वन बैग ऑफ व्हीट इज ऑल्सो मनी। अब आप ये समझिए कि कोई भी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेबल हो वो मनी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेडिशनली मनी हमेशा से इस धरती पे था, बिकॉज बिना एक्सचेंज के सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो आप पहली चीज जो मनी के बारे में याद रखिएगा, एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसे हम मनी बोलते हैं। तो मैं आपको ये इतना ध्यान से याद रखने को क्यों बोल रहा हूँ, रुपया, कॉइन्स यही मनी नहीं है, एवरीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसको हम मनी बोलते हैं। क्लियर है ना? मनी का ओरिजिन कहाँ से है, मनी कैसे क्यों आया, तो आप समझिए ओरिजिन ऑफ मनी इज एक्चुअली रिलेटेड टू फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज। जो आज हम मनी का फॉर्मेट देखते हैं, हमको जो रुपया, नोट्स, कॉइन्स ये जो हमको आज नज़र आते हैं, ये सिर्फ इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज का एग्जिस्टेंस नहीं था। सो कॉमन मीडियम ऑफ एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करंट फॉर्मेट ऑफ मनी को डिस्कवर किया गया। इसको इसीलिए डिस्कवर किया गया कि कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज लोगों के बीच में हो जाए। ठीक है ना? हम कुछ और बातें करते हैं। क्या सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही मनी का एक एक फीचर है? नहीं, मनी ने इसके अलावा, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने के अलावा भी तीन बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे लिए किया। जब मनी हमारे सामने आज के फॉर्मेट में आया, जो रुपये के फॉर्मेट में जब इंडिया में आया, तो उसने हमको तीन और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करके दिया। पहला प्रॉब्लम जो उन्होंने सॉल्व किया वो है स्टोरेज ऑफ वैल्यू। देखिए, हम क्या कर सकते थे, हम पैसे को सेव कर सकते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं था, जब आज का करंट फॉर्मेट में मनी नहीं था, जब रुपये के फॉर्मेट में मनी नहीं था, जब मनी को एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स में यूज़ किया जाता था, तो आप उसकी सेविंग्स नहीं कर सकते थे। आपको उसकी सेविंग करने के लिए गुड्स को स्टोर करना पड़ता था, और गुड्स में तो आप जानते हैं खराब भी हो सकते हैं, चूहे भी गुड्स खा जाते हैं, तो इसलिए मनी वैल्यू वहाँ बड़ी इजीली डिक्रीज होती थी और उसको कोई मेजरमेंट नहीं दिया जा सकता था। सो जो दूसरी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व की है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। नाउ आज आप बोल सकते हैं कि आपकी गाड़ी 5 लाख रुपए की है, आपका फ़ोन जो है वो 20,000 रुपए का है, लेकिन पहले आप ये नहीं बोल सकते थे कि आपका गेहूं जो आपके पास रखा हुआ है वो कितने का है, आपके पास घर पे जो गाय है वो कितने की है। यू कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो रुपया आने से अब हम चीज़ों को एक कॉमन यूनिट में मेज़र कर सकते हैं। और जो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने हमारी सॉल्व की है,
लक्ष्मी जी ने जो हमारी तीसरी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है वो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है कि पहले जब मैं लोगों को नौकरी पे रखता था तो मैं उससे ये नहीं कह सकता था कि मैं एक महीने के बाद तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ। तो मैं फ्यूचर पेमेंट्स को मनी में वैल्यू करके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तय कर सकता हूँ। पहले नहीं कर सकता था। पहले मैं लोगों से कैसे सौदा करता था कि यार तू मेरे लिए एक महीना मेरे खेत पे काम कर, फिर मैं तेरे को कोशिश करूंगा कि 4 बोरी अनाज दे दूं अगर होगा तो, ठीक है, अगर इतना अनाज पैदा होता है तो मैं तुम्हें 4 बोरी अनाज दूंगा। तो पहले आप किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के अंदर, मैंने आपको 4 बोरी का बोला, हो सकता है किसी और को 3 बोरी बोला हो, किसी और को मैंने 5 बैग बोला हो, तो इट डिपेंड्स। तो पहले में और अब में यही डिफरेंस आ गया मनी आने से कि अब मैं कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को वैल्यू में तय कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता था। तो मनी के बारे में सबसे ज़रूरी बात हमको क्या याद रखनी है, मनी इज़ वॉट मनी डज। पैसा वो है, मनी वो है जो कि मनी करती है। मतलब अगर मैं आपको कोई भी चीज़ एक्सचेंज में दे रहा हूँ तो दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज़ ऑल्सो मनी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि मनी के बारे में क्यों सोचा गया। ये जो गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे इससे भी काम तो चल ही रहा था ना, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है। तो देखो, जो गुड्स एक्सचेंज का जो सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। उस बार्टर सिस्टम के अंदर मैं आपसे कुछ गुड्स दूंगा और आपसे कुछ गुड्स लूंगा। ये जो गुड्स का एक्सचेंज है, इस गुड्स के एक्सचेंज में कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स क्या थी, जो गुड्स एक्सचेंज का सिस्टम था इसे हम C2C इकोनॉमी बोलते थे। ये आपका C2C इकोनॉमी बिजनेस स्टडीज वाला नहीं है, कस्टमर टू कस्टमर इकोनॉमी वाला नहीं है, ये सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी, ये कमोडिटी टू कमोडिटी वाला सी है। तो जो कमोडिटी टू कमोडिटी मार्केट चलता था इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मनी सिस्टम हमारी कंट्री में लाया गया या डिस्कवर किया गया उस दौरान। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या ड्रॉबैक्स थे उसके अंदर। सबसे बड़ा ड्रॉबैक था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या है, समझिए आप, कि मुझे भी वही चीज़ चाहिए जो आपके पास है और आपको भी वही चीज़ चाहिए जो मेरे पास है, तभी आपका और मेरा सौदा हो पाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास अच्छा खासा खेत है और मैं वहाँ पे गेहूं की फसल करता हूँ, लेकिन आप ऑयल का व्यापार करते हो। अब आपका और मेरा मार्केट में पुराने दौर में तभी सौदा हो सकता था। अब मुझे ऑयल की ज़रूरत है और आपको गेहूं की ज़रूरत है। आपको गेहूं मुझसे तभी मिलेगा जब मुझे ऑयल की ज़रूरत होगी। अगर मुझे ऑयल की ज़रूरत नहीं है, मुझे चावल की ज़रूरत है, फिर मैं आपके साथ सौदा नहीं करूँगा। इस केस में आपको कभी भी गेहूँ नहीं मिलेगा। तो मार्केट में ऐसे दो लोगों का मिलना जिनकी नीड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हो, एक दूसरे के साथ मैच करती हो, बड़ा ही मुश्किल काम था। लेकिन जब से मनी कंसेप्ट आया है, मेरे पास कुछ नहीं भी हो, सिर्फ 2,000 का एक नोट हो, 100 रुपये का नोट हो, 50 का नोट हो, मेरे पास अगर करेंसी है, मेरे पास अगर मनी है, तो मैं ऑयल भी खरीद सकता हूँ, मैं चावल भी खरीद सकता हूँ और मैं गेहूँ भी खरीद सकता हूँ। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का जो प्रॉब्लम था इसे सॉल्व करने के लिए मनी का कॉन्सेप्ट लाया गया। दूसरी बात, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू जो दूसरा ड्रॉबैक है, मतलब कहने का क्या है, आज आप कह सकते हैं ना कि आपकी कार 5 लाख की है, लेकिन बार्टर सिस्टम में इसका जवाब आप दे सकते थे क्या कि आपकी गेहूं की बैग की वैल्यू क्या है, नहीं दे सकते थे। इट डिपेंड्स कि जिसको गेहूं का बैग चाहिए वो इसके एक्सचेंज में क्या दे सकता है। अगर उसके पास ऑयल है तो गेहूं के बैग की वैल्यू ऑयल की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। अगर उसके पास मक्का है, मकई है, तो वो मकई देगा। अगर उसके पास बाजरा है तो वो बाजरा देगा। तो आपकी गेहूं के बैग की वैल्यू किसी कॉमन यूनिट में बार्टर सिस्टम में तय नहीं हो सकती थी। मनी के कॉन्सेप्ट के आने के बाद अब ये वैल्यू तय होना शुरू हो गया। अब आसानी से आप गेहूं के बैग की वैल्यू के साथ, मेरा जो गेहूं का एक बैग है ये 2,000 रुपये का है, ये आप अब तय कर सकते हो और ये आप सबके लिए कॉमनली तय कर सकते हो। क्लियर।
तीसरी जो प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम के अंदर वो थी डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, जो हमने एग्जांपल अभी पहले समझा भी सही कि आज अब मैं किसी को अगर नौकरी पर रखता हूँ तो तय कर सकता हूँ कि आपको 10,000 रुपये पर मंथ का सैलरी दूंगा, पहले मैं ऐसा तय नहीं कर सकता था। तो मनी के आने के बाद से मैं फ्यूचर पेमेंट्स को एक वैल्यू में पहले से ही तय करके रख सकता हूँ। चौथा जो प्रॉब्लम था दैट इज स्टोरेज ऑफ वैल्यू। मैं पहले भी आपको समझाया कि बार्टर सिस्टम में आप कभी भी अपने वैल्यू को सेव नहीं कर सकते, आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को एक फिक्स अमाउंट पे सेव नहीं कर सकते। अगर आपने अनाज को सेव भी करके रखा है तो हो सकता है आज वो गेहूं का बैग बाजरा के 2 बैग के एक्सचेंज में मिल रहा था, लेकिन 6 महीने के बाद आप उसी गेहूं के 1 बैग के बदले में सिर्फ 1 बैग बाजरे का ले पाओ। इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड। और दूसरी बात, आपको वो कस्टमर मिलना भी चाहिए जिसको कि गेहूं लेके बाजरा देने में इंटरेस्ट हो। लेकिन आज की डेट पे आप अपनी मनी को सेव कर सकते हो और उस मनी को बैंक में डाल दीजिए, शेयर मार्केट में डाल दीजिए, वो ग्रो करेगी। पुराने टाइम में आपकी सेविंग्स डिके होती थी, उस पर उसमें कमी आती थी, डेप्रिशिएट होती थी वो। तो सी टू सी इकोनॉमी जो थी उसमें आपकी मनी सेविंग्स जो है वो सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल थी कि आप गुड्स को स्टोरेज में रख दो जहाँ उनकी वैल्यू गिरती थी। लेकिन मनी आने के बाद क्या हो गया, आप अपनी सेविंग्स को एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि हमेशा ग्रो होती है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। इसके बाद हम आगे अगर बात करें इसमें एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि यही ड्रॉबैक्स को, इन्हीं ड्रॉबैक्स को सॉल्व करने के लिए, इन्हीं ड्रॉबैक्स से बचने के लिए मनी का इवॉल्वमेंट किया गया। अब साहब, मनी जब इवॉल्व होके हमारे सामने आई, डिस्कवर होके जब हमारे सामने आई, तो मनी ने हमारे बिजनेस पे, हमारे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट छोड़ा? देखिए, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। मनी आने से हमारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, लोग ज़्यादा सौदे करने लग गए क्योंकि अब कोइंसिडेंस और वांट्स की ज़रूरत नहीं है। एक्सचेंज ज़्यादा होने लगा तो मार्केट बड़ा हो गया, ज़्यादा लोग मार्केट में आने लग गए सौदा करने के लिए। जब मार्केट्स एक्सपेंड हुए तो लोगों ने प्रोडक्शन करना ज़्यादा शुरू कर दिया, स्केल ऑफ आउटपुट आपका बढ़ गया। जब स्केल ऑफ आउटपुट आपका बढ़ गया तो आपका GDP इंक्रीज हो जाएगा, और जब आपका GDP इंक्रीज होगा तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट उसमें होने लग गया। ठीक है, इसके बाद हम एक छोटी सी बात और करते हैं। आज मनी अलग अलग टाइप की है, उसकी उसकी जनरेशन और उसके यूज़ के हिसाब से मनी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है ट्रेडिशनली इकोनॉमिक्स के अंदर। उसमें से पहला जो टाइप है, पहला जो फॉर्मेट है मनी का, वो है फिएट मनी। फिएट मनी को आप इतना सा याद रखिए, फिएट मनी मतलब जो सरकार इशू करे, जो सरकार मार्केट में लाए, जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड करेंसी है, वो सारी करेंसी फिएट मनी कहलाती है। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा 2,000 रुपये का नोट, हमारा 1,000 रुपये का अब तो रहा नहीं, 500 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट। तो देखो, 1,000 वाला मैंने टर्म क्यों बोला, जब तक 1,000 रुपये का नोट सरकार की तरफ से इशू था वो फिएट मनी में आता था, लेकिन जब सरकार ने उस पर से अथॉरिटी हटा ली तो अब वो फिएट मनी के नाम से मार्केट में नहीं चल सकता, मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा मनी का टाइप है फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मतलब, फिड्यूसरी टर्म का मतलब यही होता है, मनी बेस्ड ऑन ट्रस्ट। तो फिड्यूसरी मनी के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो कि ट्रस्ट पे डिपेंड है, पेयर और पेई के बीच में। जैसे चेक, चेक कोई करेंसी नहीं है, चेक कोई नोट नहीं है, लेकिन देने वाले के ऊपर लेने वाला भरोसा करता है कि देने वाले का जो बैंक है वो मुझे इस कागज के बदले में पेमेंट करेगा। तो फिड्यूशरी मनी का मतलब क्या है, जो पेयर और पेई के ट्रस्ट पे डिपेंडेंट है। एग्जांपल क्या है इसका, चेक। तीसरा जो हमारा टाइप है दैट इज फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी के बारे में आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आज सीखेंगे। फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है हमारे जो कॉइन्स है, हमारे जो सिक्के हैं जो मार्केट में चलते हैं। अब आप इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, फुल बॉडीड मनी इसका नाम इसलिए है क्योंकि कॉइन्स में जितना मेटल लगा हुआ होता है
उस मेटल की वैल्यू के बराबर ही अमाउंट उस पर लिखा हुआ होता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 5 रुपए का जो सिक्का आपकी जेब में आज रखा हुआ है, 10 रुपए का सिक्का जो आपकी जेब में रखा हुआ है, मैं नोट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिक्कों की बात कर रहा हूं, जो 5, 10, 1 के सिक्के आपकी जेब में रखे हुए हैं, इन सिक्कों में इतनी ही वैल्यू का मेटल लगा हुआ है। 1 रुपए के सिक्के में 1 रुपए के बराबर का ही मेटल लगा हुआ है, 5 रुपए वाले में 5 रुपए के बराबर का ही मेटल लगा हुआ है, 10 वाले में 10 के बराबर का ही मेटल लगा हुआ है। मतलब अगर आप इसको तोड़ के फोड़ के और मार्केट में अगर मेटल वैल्यू पे बेचने जाएंगे तो आपको उस मेटल का इतना ही अमाउंट मार्केट से मिलेगा। सो इसलिए हम इसका फुल बॉडीड मनी के नाम से जानते हैं। और अगला टाइप जो हमारा है दैट इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे जितना अमाउंट लिखा हुआ है उसकी वैल्यू अगर उतनी ना हो, जैसे आपका 2000 रुपये का नोट, तो वो तो एक कागज का टुकड़ा है, उस कागज के टुकड़े की वैल्यू 2000 रुपये नहीं है, फिर भी उसको मार्केट में इक्वलेंट टू 2000 एक्सेप्ट किया जाता है, तो दैट नोट्स आर दी क्रेडिट मनी। ये क्रेडिट मनी का जो कंसेप्ट है ये हम और आगे समझेंगे, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पलरी में ये बता रहा हूँ कि ये जो नोट है, ये जो करेंसी हमारी मार्केट में जो क्रेडिट मनी के नाम से चलती है, इसकी वैल्यू कंट्री के गोल्ड रिजर्व्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर डिपेंडेंट होती है। मैं इसको और डिटेल में आपको बाद में कभी समझाऊंगा, इसी चैप्टर में आगे कहीं टॉपिक में जब आएगा, लेकिन आप समझिएगा कि जितना अमाउंट उसके ऊपर लिखा हुआ है उतनी उसके साथ एसोसिएटेड कमोडिटी का वैल्यू नहीं होता। कमोडिटी वैल्यू इज ग्रेटर देन, सॉरी, इफ कमोडिटी वैल्यू इज लेस देन द मनी वैल्यू इट इज क्रेडिट मनी, एंड व्हेन कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू इट इज फुल बॉडीड मनी। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इसके अंदर 2-3 टॉपिक बड़े काम के हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा, और ये लेक्चर आप कॉमर्स मंत्रा के लिए मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आप उनके एप्लीकेशन पे इसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।